ये निश्चित रूप से जो हुआ है अच्छा हुआ है। जो भी केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं बिना प्रूफ के कोई भी कार्रवाई नहीं करती हैं, चाहे इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, जब उनको प्रूफ मिल जाता है तभी कार्रवाई करते हैं। और निश्चित रूप से चिदंबरम जी दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है सर, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है भ्रष्टाचार का। जब से स्वतंत्र भारत के बाद से कांग्रेस की सत्ता आई, घोटालों की ही सरकार कांग्रेस की रही, पूरी पार्टी घोटाला में लिप्त रही। और इसी का खामियाजा है कि आज चिदंबरम जी और उनके लड़के के ऊपर जो हो रहा है, तो उन्होंने जो किया है वही कानून कर रहा है। सीबीआई भी वही कर रही है, कोर्ट भी वही कर रही है, और सरकार की भी वही मंशा है कि जो भी अपराधी है वो बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहाँ पे कोई भी कितना भी कद्दावर नेता क्यों ना हो, अगर वो भ्रष्टाचार किया है, अपराध किया है, निश्चित रूप से कानून उसको सजा देगी। और सरकार उसमें दृढ़ संकल्पित है कि हम कानून के रास्ते पे चलेंगे, और जो जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे या देश के खिलाफ कार्य करेंगे, देश को बदनाम करने की कोशिश करेंगे या भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, तो निश्चित रूप से कानून उनको सजा देगी। उसी का परिणाम है कि आज चिदंबरम जी को सीबीआई घेरे में ली है, और सीबीआई ऐसे घेरे में नहीं लिए है, उसके पास प्रूफ है। जितने भी उनकी फाइलें हैं, जितने भी उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, घोटालों की जांच किया है, जांचने के बाद जब तथ्य सामने आया है कि इस किन किन केसों में वो संलिप्तता है उनकी, तब किया है। नहीं तो चिदंबरम जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो कानून के बड़े जानकार हैं, ऐसे थोड़ी सीबीआई घेर लेगी या दो दिन से स्विच ऑफ करके भागते फिरेंगे। तो वो निश्चित रूप से तथ्य उनके खिलाफ़ हैं, सारा सबूत उनके खिलाफ है। जितना इन्होंने बिचौलिए थे, जिनको इन्होंने काम दिलाया है ठेकेदारी के नाम पे, तमाम घोटाले हुए, तो उसका जब सीबीआई ने पूरा प्रूफ इकट्ठा कर लिया है तब उनको गिरफ्तार किया है, बिना प्रूफ के नहीं है। और प्रूफ सहित वो कानून के सामने न्यायालय में पेश करेंगी, और न्यायालय जो भी होगा उसको सज़ा मिलेगी उनको निश्चित रूप से। क्या लगता है आपको कि जो ये चिदंबरम जो है इतने बड़े पद पे, देश के गृह मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, और उनको कम से कम जो है सरकार जो सीबीआई का जो एजेंसी है उसका जो है सहयोग करना चाहिए था। वो इस तरह से भाग रहे थे कि जैसे एक इनोसेंट और एक जो गुंडा और बदमाश जो है जो बचता है, तो बचने का क्या बोलता है आप, सबसे करने दीजिए। अगर सीबीआई चाहती तो उनको जो है कोर्ट से ही गिरफ्तार कर ले, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल जो है पर्सन होने के बाद, एक रिस्पेक्ट हस्ती होने के बाद भी उन्होंने ये सोचा कि वो लोग जो है फेस करेंगे, सामने आएंगे, अपने सबसे करने देंगे, लेकिन उन्होंने इस तरह का जो दिखाया है कि जैसे कि आम जन जो है भाग जाता है, तो इस तरह से जो है लंबा 27 घंटे का जो प्रोसेसिंग चला, उसमें क्या कहेंगे? तो वो कानून के भी जानकार हैं, तो उनको इस तरह का जो आचरण किया है उसको क्या कहेंगे? देखिए, जब आदमी गलत होता है तो भागता है निश्चित रूप से। अगर गलत नहीं है, सही है, तो वो बिल्कुल कहेगा, सीबीआई को कहेगा, कानून को कहेगा, मैं आपके सपोर्ट में हूँ, आप मुझसे जो भी जानकारी लेना चाहे हो मैं जानकारी दूँ, मेरा जो भी विभाग रहे हो, मेरे विभाग की जो भी फाइलें हैं आप मैं हैंडओवर करूँ, मेरे सिग्नेचर हैं, मैं गलत नहीं हूँ, सपोर्ट करना चाहिए उनको। तो अगर कहीं ना कहीं वो गलत है तभी तो भाग रहे हैं कि मैं फंस जाऊँगा, मैं क्या जवाब दूँगा, इस कारण से वो भागते फिर रहे हैं। तो जो व्यक्ति गलत होता है निश्चित रूप से वो भागता है, सही आदमी नहीं भाग सकता। और कोई कितना भी कद्दावर क्यों ना हो, ये मोदी युग है, मोदी जी किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। जो भी गलत काम किया है, जो भी देश को बर्बाद किया है या देश को बहुत पीछे धकेल दिया है, उन सबको एक एक जो एजेंसियां बनी हैं, कानून बना हुआ है, उन कानूनों में अगर गलत किया है तो निश्चित रूप से उसको सज़ा मिलेगी, और उसी पैटर्न पर कार्य हो रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, जैसे कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जो सभी लोग कानून के जानकार हैं और ये सरकार में रहे हैं, बहुत 70 साल का जो है सरकार चलाने का जो है अनुभव रहा है,
वो बार बार जो है टारगेट कर रहे हैं कि मोदी सरकार जो है कांग्रेस के नेताओं को जो है टारगेट कर रहे हैं, बदले की भावना हो रही है, राजनीति के विद्वेष की भावना चल रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या संदेश देना चाहिए? क्या जब कांग्रेस की सरकार थी क्या वो भी यही आचरण करते थे कि जो वो कह रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब है कि अगर वो जांच एजेंसी पे उनका भरोसा नहीं है और वो कहते हैं कि जांच एजेंसियां सब जो है सरकार के इशारे पे काम कर रही है, सरकार के दिशा निर्देश पे काम कर रही है, तो सीबीआई जो है निष्पक्ष हमारी जांच एजेंसी है, तो क्या उन्होंने भी, क्या लगता है कि क्या कांग्रेस ने भी कभी इस तरह से किया होगा अपने शासनकाल में? आपको क्या कहना है? जी, जिसकी जैसी भावना होती है उसी तरह मूर्ति देखती। तुलसीदास जी ने लिखा है कि उनकी भावना जो कांग्रेसियों की है यही भावना थी, वो हमेशा विपक्ष में रहे, हो सरकार में रहे हैं, और वो जो है जो विपक्ष के नेता रहते थे उनके खिलाफ हमेशा सीबीआई, आयकर, इनकम टैक्स का उन्होंने दुरुपयोग किया है, तो उनको उनकी भावना ऐसी थी, लग रहा कि मोदी सरकार भी उसी तरह जो है कर रही है, जबकि ऐसा नहीं। मोदी सरकार जी, हमें मोदी जी की सरकार न्याय संगत कार्य कर रही है, उसमें कोई दुराग्रह नहीं है, पूर्वाग्रह नहीं है, न्याय संगत कार्य हो रहा है। और चिदंबरम जी और भी कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, तो उनको लग रहा है डाइवर्ट कर रहे हैं, जितने कांग्रेस है डाइवर्ट कर रहे हैं, हमने ऐसा नहीं किया, जबकि उन्होंने सब किया है, क्यों भाग रहे हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका दिखाई दे रहा है, उनको लग रहा है हमने अपराध किया है। यदि उन्होंने अपराध नहीं किया, उनको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, सीबीआई का सहयोग करना चाहिए, निश्चित रूप से वो दोषी है और कोर्ट उनको दोषी करार करेगा। धन्यवाद। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में बोले थे कि क्यों नहीं अंदर करते हैं, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बोले कि हम सरकार हैं, सरकार कभी जो है से ये गिरफ्तार नहीं करती है, जांच एजेंसियां कोर्ट का काम है कि जो दोषी ठहराया जाएगा, जो दोषी होगा जिसपे सबूत होंगे उसको जो है ये कोर्ट जो है उसको सजा दिलाएगी, सरकार का काम यही होता है। इसके बावजूद भी कांग्रेस के बड़े नेता वो यही बात चिल्ला रहे हैं कि भाई सबके कानून के जानकार भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि सभी लोग अभी देखे उनके या कोर्ट में जो है वो सब लोग जो पैरवी कर रहे हैं, तो क्या लगता है? लगता ये है कि जो चूँकि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो सब लोग हमेशा से वही किए हैं, सारा उन्होंने फ्रॉड किया है, उसका वो उसी तरह वो सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा फेर रही है और आज भी, जब सीबीआई ने पूरी पुख्ता उनको जानकारी हो गई उसके बाद उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की है, उसमें कोई दो राय नहीं है और उनको सजा मिल के रहेगी। क्या कहते हैं सर, जो उनका बेटा कीर्ति चिदंबरम वो भी उन पे भी जो है एलिगेशन है, तो आप क्या लगता है किस तरह से दोनों बाप बेटाओं को जो है स्पष्टीकरण देना चाहिए जांच एजेंसी को और सीबीआई? उसमें लिप्तता उनके बेटे की भी थी, इस नाते जो है सीबीआई और जो जो टीमें हैं तो पूरा पुख्ता का मतलब जानकारी लेने के पश्चात दोनों लोगों को पकड़ने के लिए जो है सही है, यही मैं कहता हूँ। इसमें वह दोषी तो हैं, इसीलिए जो है अपना आनाकानी करके जो है भाग रहे हैं, अपने तथ्यों को छिपा रहे हैं, मोबाइल बंद किए हैं, इसलिए आज उनको दंड मिलेगा मोदी जी की सरकार में, या दूध को दूध पानी को पानी, जो जैसा किया है वैसा फल भोगेगा जो है। आपको क्या लगता है सर? उनको निश्चित दंड मिलना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने अब धन का वो किया है ये बहुत ही अशोभनीय है, और ऐसे लोगों को निश्चित दंड मिलना चाहिए और मोदी सरकार उनको दंड देकर रहेगी। Thank you.
पूरी बात है।